Hello everyone and welcome to this session of past life regression. So there are still 10 minutes to go, rather 8 minutes to go before we begin. So people can start joining. We shall wait for them. And you can ask questions regarding past life regression. You can ask questions in the chat box. This is a live session and I'm going to be talking about what is past life regression, how it works, is it real, it is not real, those questions that are often asked. Hi Poonam ji, welcome. So Poonam ji has joined. So Poonam ji, if you have other people, your family members, you can have them join in as well. So hi Poonam ji. So dosto, aaj main pehli baar ye live stream kar rahi hoon YouTube pe. कुछ अगर गलती हो जाए तो माफ़ी दे देना. आई एम नॉट यूज टू इट, बट मेरा प्रॉमिस है कि मैं हर वीक लाइव स्ट्रीमिंग में आऊँगी आपको. पूनम जी, क्या आपने मुझसे रेकी सीख रखा है? आप चैट बॉक्स में लिखिए आपने रेकी सीख, आप मुझसे कैसे कनेक्टेड हैं और आप ये सेशन क्यों ज्वाइन कर रही हैं. चैट बॉक्स में लिखिए पूनम जी, तो मैं आपका आंसर करूंगी. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन पूनम जी. ये जो मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करा है, ये हम हर हफ्ते करेंगे 11 बजे. मैं जो भी नॉलेज है मैं कोशिश करूंगी वो आपके साथ बांटूं. कमिंग संडे को हम टैरो रीडिंग के ऊपर. अच्छा, वेरी गुड पूनम जी, फर्स्ट डे है तो आप पास्ट लाइफ के बारे में आप क्या जानना चाहते हो. सो लेट मी ट्राई पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में. आप क्या जानना चाहते हो? हम अक्सर जो है, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो इंडिया में तो बहुत प्रचलित है, इट्स वेरी कॉमन इन इंडिया, हम हमेशा ये कहते हैं अरे मैंने कौन से पाप करे थे जिसका फल मुझे भुगतना पड़ रहा है, मैंने ऐसा क्या बुरा किया था भगवान पिछले जन्म में, ये क्यों मुसीबतें मेरे को आ रही हैं. और जो बार बार नेगेटिव हमारी लाइफ में होता है, रिपीटेड जो होता है पैटर्न, वो क्यों हो रहा है, तो ये जानने के लिए बहुत लोग उत्सुक होते हैं कि हमारी लाइफ में ये बलाएं क्यों आ रही हैं. हाँ, तो ये जैसे पूनम जी कह रही हैं कि मेरा कौन सा काम अधूरा रह गया था जो हम इस जन्म में पूरा करने आए हैं, तो बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं पास्ट लाइफ की. और पास्ट लाइफ क्या होता है, कैसे काम करता है, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ. देखेंगे अगर समय रहा सेशन का तो कोशिश करूंगी सेशन भी या मैं रखूं, क्योंकि पास्ट लाइफ में जाना एक बार में आसान काम नहीं होता. पूनम जी, आज आप मुझे सुन पा रही हैं? कैन यू हियर मी? अपने बारे में बताएं पूनम जी, आप क्या करती हैं? तो दोस्तों, 2 ही मिनट बचे हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन स्टार्ट होने में, और जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन करिए जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, ताकि मैं भी बहुत उतावली हो रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए अपनी नॉलेज को, जितना मैंने सीखा, जितना मैंने जाना.
और आपसे शेयर करूंगी कि मैं कब से इस काम में हूँ, कब से मैंने पासिव रिग्रेशन सीख रही हूँ और क्यों सीख रही हूँ और क्यों मैं करवाती हूँ, क्या पैटर्न्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं और हम उन्हें कैसे तोड़ सकते हैं। अच्छा, वेरी गुड पूनम जी, क्या आपने टैरो रीडिंग भी कराया है पूनम जी कभी मुझसे? तो दोस्तों, कुछ सेकंड्स ही बाकी रह गए हैं 11 बजने में और हम शुरुआत करने ही वाले हैं, तो आप लोग जो लोग ज्वाइन कर सकते हैं ज्वाइन करिए जल्दी जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। आप सुन नहीं पा रहे हैं पूनम जी, तो मुझे नहीं पता सेटिंग्स, क्योंकि मेरा भी ये पहला टाइम है, तो आई एम नॉट वेरी श्योर कि मैं कैसे करूँगी। तो लगभग 10 बजने वाले हैं, आप अपनी सेटिंग्स देखिए कुछ। तो मैं तो ऑडिबल हूँ, शाम तक मैं देख सकती हूँ, मैं तो इसमें सेटिंग्स में तो दिखा रहा है कि मैं ऑडिबल हूँ। एनीवेज लेट्स बिगिन। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। पूनम जी आप अपनी सेटिंग्स चेक करिए, प्लीज चेक योर सेटिंग्स, चेक योर सेटिंग्स। सो बीच बीच मुझे टाइप भी करना पड़ रहा है। सो दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संगीता हीलिंग टेंपल्स। मैं संगीता गुप्ता आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरी लाइफ का पहला लाइव स्ट्रीमिंग है यूट्यूब पर। तो मैं अपने बारे में परिचय देना चाहती हूँ। मैं संगीता गुप्ता पिछले 30 साल से टैरो रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये सुन नहीं पा रही है, सॉरी वंस अगेन आई बिगिन। मैं पिछले 30 सालों से, 92 में मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी, तब से मैं विपासना, रेकी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख रही हूँ। वो मेरा टाइम था थोड़ा बहुत सीखने का, शुरू का एक साल मैंने सीख में बिताया, बट लगभग 29-30 ईयर्स हो गए हैं मुझे लोगों के साथ पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस लेते हुए, रेकी करते हुए, टैरो रीडिंग उसमें बहुत पॉपुलर नहीं था बट थोड़ा बहुत करते थे। पर्सनल लेवल पे जो भी मैंने सीखा, पॉजिटिव थिंकिंग, एफर्मेशंस, हम अपनी लाइफ की इश्यूज पे कैसे काम करें, तो जैसे जैसे मैं अपनी लाइफ पे काम कर रही थी वैसे वैसे मैं सिखा भी रही थी। तो उन दिनों पास्ट लाइफ रिग्रेशन को कोई नहीं जानता था। मेरे को मेरी गुरु, मेरी टीचर एलेना असगर मिली, जो एक रशियन लेडी थी मैरिड टू एन इंडियन, एक विपासना मेडिटेशन में, जो मुझे पहली बार उन्होंने रेकी और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दर्शन कराए। मैं उनकी जैसा बनना चाहती थी क्योंकि वो बहुत लोगों की लाइफ में डिफरेंस कॉज करती थी, तो उनकी किताबें पढ़ती थी, उनसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखा। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में मैंने ये जाना कि बहुत सारे मेरे जो पैटर्न्स थे पिछले जन्म के, वो इस जन्म में भी उजागर हो रहे हैं, तो रिपीटेड चीज़ें हो रही हैं। मुझे बहुत सारे सेशंस लेने पड़े थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के, मेरे को कम से कम 25-30 सेशंस लेने पड़े क्योंकि मैं देख ही नहीं पा रही थी अपनी पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ देखना आसान नहीं होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो विजुअल नहीं होते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, पहले सेशन में भी कुछ लोग जा सकते हैं, ये मेरा अनुभव रहा है, और कई बार बहुत टाइम लगता है किसी किसी को। जो लोग विजुअल होते हैं या जो लोग मेडिटेटिव होते हैं वो जल्दी चले जाते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता क्या है? रिग्रेशन का मतलब होता है रिग्रेस करना, बैकवर्ड जाना। तो अगर हम मानते हैं ये हमारा प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये फ्यूचर है, तो हमारे पास्ट का इन्फ्लुएंस हमारे प्रेजेंट पे होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं, बहुत सारे गुस्सा, क्रोध, ऐसे नेगेटिव इमोशंस बैठ जाते हैं, उनका इन्फ्लुएंस हमारे इस जन्म में होता है। और जिन व्यक्तियों से हमारा क्रोध, हमारा अपसेट, हमारा एनिमोसिटी वगैरह होती है, उसके पैटर्न्स इस जन्म में भी आते हैं। अगर हमने उन्हें ठीक नहीं करा तो वो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारी चीज़, और बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं जिनकी, जो पास्ट लाइफ में रही हैं तो वो हम कैरी ओवर कर लेते हैं इस जन्म में। तो
जब मैं एलेना के साथ काम कर रही, हेलो तनु, हेलो तनु, कैन यू हियर मी तनु? तो जो पैटर्न्स होते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं और हम अनअवेयरली उनको क्रिएट करते रहते हैं, रिक्रिएट करते रहते हैं। जैसे कि पिछले जन्म में अगर मैं बहुत ज़्यादा बीमार रही हूँ और मरते वक्त मेरी मृत्यु के टाइम मैं इसी चीज़, इसी एनर्जी को लेके मरी हूँ कि बीमारी जो है वो तो आती आती है और बीमार तो इंसान रहेगा ही रहेगा, तो वो इस जन्म में भी बीमारी के लक्षण होंगे। बचपन से पैदाइशी टाइम में भी आपको वो बीमारियाँ लगेंगी। तो तनु, आप जो है क्वेश्चंस अपने टाइप कर सकते हो तो पास्ट लाइफ से रिलेटेड मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो उन पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, जो हमारी मुसीबतें कंटिन्यूसली बचपन से आई जा रही हैं, उस पैटर्न को तोड़ने के लिए, उनसे मुक्ति लेने के लिए हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है हिप्नोथेरेपी के द्वारा किया जाता है, क्योंकि अगर हम अपने माइंड को समझे, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड, हमारे माइंड के तीन पार्ट्स हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड में होता है कि जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ तो कॉन्शियस माइंड से मैं बात कर रही हूँ। हेलो हिमांशी, हेलो, आप लोगों का स्वागत है। तो जो हमारा जो भी जैसे मैं बात कर रही हूँ या जो भी मैं इस बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, आपको अभी ताज़ा ताज़ा शाम तक तो याद रहेगी, बट उसके बाद वो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाएगी बिटवीन 12 to 24 hours। और सब कॉन्शियस माइंड की भी बड़ी सारी लेयर्स होती हैं, आपने वहाँ पे आपकी सारी मेमोरीज पड़ी होती हैं, बचपन से लेके अब तक की सारी मेमोरीज पड़ी होती हैं। कॉन्शियस माइंड उन्हें भूल जाता है कि भाई बचपन में, आज क्या तारीख है, आज 27 तारीख है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हुई 10 साल पहले 27 तारीख को, मार्च को, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो मेमोरीज पड़ी होंगी। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं उनकी मेमोरीज को कैरी करता है, नहीं तो अगर एक एक पल का वो अगर रखे तो दिमाग खराब ही हो जाएगा, इतनी मेमोरीज नहीं होती है। बट जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होती हैं, जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होती हैं, जैसे कोई घटना हुई, जैसे मेरे साथ एक घटना हुई थी 2009 दिसंबर में, मुझे अभी भी याद है। तो मेरा, मैं जा रही थी रिक्शा पे तो मेरा पर्स छीन लिया गया था। अगर मैं हिप्नोसिस में जाऊँ और वो देखूँ कि उन लोगों का चेहरा याद करने की कोशिश करूँ कि वो कौन लोग कौन थे, तो हिप्नोसिस के सेशन में मैं रिग्रेस करूँगी, बैकवर्ड जाऊँगी, और कोई हिप्नोथेरेपिस्ट ये कर सकता है, मेरे लिए खुद जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो जो है आप, मैं जो हूँ देख पाऊँगी उन लोग, वो मैं क्या कर, क्या कपड़े मैंने पहने थे, वो लोगों का नाम क्या था, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं रिट्रीव कर पाऊँगी। और जो उस समय मेरे को फियर हो गया था, मेरे को आज भी वो फियर कई बार आ जाता है कि कोई भी बाइक वाले को देखती हूँ तो मैं घबरा जाती हूँ, तो जो आज पैटर्न है और जो उस समय हुआ उनका आपस में एक कनेक्शन होता है। तो मैं अगर इसको रिलीज करना चाहूँ तो मेरे को उस इवेंट पे जाना पड़ेगा रिग्रेशन के दौरान, तो मेरा वो फियर ऑफ जो बाइकर्स हैं उनसे वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं कि आज के टाइम जो भी हम फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, और जो भी हमारी लाइफ में मुश्किलें आई जा रही हैं, कंटिन्यूसली आई जा रही हैं, तो उनका लिंक, उनका लेना देना हमारे पिछले जन्म से है, उसको हमने हटाना है, तो उसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे। कई बार वो पैटर्न्स हमारे बचपन के भी होते हैं, जैसे बचपन में हमने चाइल्ड अब्यूज़ देखा पेरेंट्स से, फादर से, तो जो आपका प्रेजेंट हस्बैंड है वहाँ पे भी आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि वो कहीं ना कहीं वो अब्यूज़िव है। और अगर थोड़ा और बैकवर्ड्स जाओ, अगर हम अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो देखेंगे कि पिछले जन्म में, और पिछले कई जन्म भी हो सकते हैं, पिछले कई जन्म, जन्मों में हमारा ये पास्ट लाइफ में बार 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 अब्यूज़ होता चला जा रहा है। तो जिन लोगों को ऐसी समस्याएं हैं उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना चाहिए, एक हम देख सकें, जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम जो है री एक्सपीरियंस करते हैं अपने एक्सपीरियंस को, और वहाँ पे क्योंकि ये थेरेपी है पास्ट, अगर हम इसे बोलें ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी है, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में जो थेरेपिस्ट होता है, जो फैसिलिटेटर होता है, जो आपको पास्ट लाइफ में ले जा रहा है, तो वहाँ पे सिर्फ विजन नहीं दिखा रहा आपको,
वहाँ पे जो भी नेगेटिव इमोशन आपके इकट्ठे हो गए हैं उनको आप रिलीज करें, क्योंकि जो इमोशंस हैं वही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठे रहते हैं। तो अगर कोई बहुत फियरफुल घटना हुई या बहुत ज़्यादा एब्यूज़ हुई है पास्ट लाइफ में, तो इस जन्म में भी वो इमोशन ऑफ फियर है विद मैन, और एब्यूज़ का वो फियर है कि वो आपका अनजाने में ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड पिछले जन्म से वो सिग्नल दिए जा रहा है कि एब्यूज़ होगा मेरा, मैन आर एब्यूजिव इन नेचर। तो पापा के साथ भी आपको एब्यूजिव अनुभव होगा कि एब्यूज़, डांटना, मारना या जो भी है, और हस्बैंड के साथ भी होगा और जितने भी मेल्स हैं उनके साथ वो एनर्जी कैरी करती है। कुछ बीमारियों में भी इस तरह से होता है, जैसे एस्थमा जैसी बीमारी है वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने से ज़्यादातर लोगों के साथ मैंने काम किया है और पता चलता है कि एस्थमा जैसी बीमारी जो है वो पिछले जन्म की वजह से आती है, जब आपको एक्सपीरियंस हुआ कि आपका दम कोई घुट रहा है, तो जिसकी दम घुटने से मृत्यु होती है पिछले जन्म में वो लोग इस जन्म में एस्थमेटिक हो जाते हैं, वो कैरी ओवर करते हैं सेम डिजीज़ को। तो मैंने बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम करा हुआ है और जब उनके साथ काम किया तो ये अनुभव हुआ कि एट द टाइम ऑफ डेथ या तो वो धुएं से या आग में जलने से मृत्यु हुई थी उस व्यक्ति की, या किसी ने दम खोड़ दिया था, गला दबा दिया था, तो वो व्यक्ति जो है सांस नहीं ले पाया था। तो उसको एफिक्सिएशन जिसे कहते हैं कि दम घुटना बुरी तरह से, तो वो पैटर्न लेके वो व्यक्ति इस जन्म में पैदा हुआ है। और वो क्योंकि उसका इमोशनल उसके हैं कि मेरे को कोई सप्रेस कर रहा है, मुझे कोई दबा रहा है, वो उसके सब कॉन्शियस माइंड में पड़े हुए हैं, वो लेट गो नहीं कर पाया क्योंकि उस समय कोई उसे बताने वाला नहीं था, समझाने वाला नहीं था। तो जब हम रिग्रेस करते हैं तो वो उस घटना को पुनर्रूप से जी पाता है और उसमें जो उसके इमोशंस जो उसने कैरी करे हैं पेन के, तकलीफ़ों के, वो उसके लेट गो हो जाएंगे। और उसके लेट गो हो जाएंगे तो वो बहुत सारे टाइम बहुत सारे लोगों के साथ काम करने पे ये अनुभव हुआ है कि उसकी बीमारी जो है वो ठीक हो गई है। मेरी एक क्लाइंट थी जिसके साथ मैंने काम किया, उसको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती थी दम घुटने की सीजनल चेंज में। तो उसके साथ जब काम किया तो देखा कि वो एक घर में है और आग लग गई है, और वो जो है आग लगने से उसकी मृत्यु हुई है। तो वो फियर उसको था, क्लास्ट्रोफोबिया वगैरह जो आता है वो भी कई बार घुटन जैसा या बहुत भीड़ से डरना वो भी एक तरह से वो होता है। मैं दिल्ली से हूँ हिमांशी जी, तो ये इस वजह से हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप रिक्रिएट करते हो अनकॉन्शियसली, हमारे को उसका ज्ञान नहीं होता, भूल जाते हैं। तो जो बातें हैं वो हमारा कॉन्शियस माइंड जो है भूल जाता है, और भूलने की वजह से वो रहता तो सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरीज तो वहाँ पे हैं, तो हमने उसको हील नहीं किया, उसको लेट गो नहीं किया, उस ट्रॉमा को लेट गो नहीं करा। तो अक्सर ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स को हम लेट गो करेंगे तो हम एक नए जीवन को, एक नया फ्रीडम को अनुभव करते हैं। तो और कई बार आप बहुत सारे रिलेशनशिप्स में भी अपना ब्रेक थ्रू कॉज कर सकते हो बाय गोइंग इनटू पास्ट लाइफ। और पास्ट लाइफ में जाने से पहले हम पहले चाइल्डहुड में देखते हैं कि कोई इवन चाइल्डहुड की तो नहीं है। तो हिप्नोसिस के द्वारा, हिप्नोसिस एक स्टेट है जहाँ पे रिलैक्स होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो हम पहले कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करते हैं, फिर सबकॉन्शियस माइंड को रिलैक्स करते हैं, फिर उन मेमोरीज को हम इवोक करने की कोशिश करते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को आप ऐसा कह सकते हो जैसे स्टोर होता है हमारे घर का, जो हमारे घर का स्टोर होता है उसमें सबसे ज़्यादा कचरा होता है। तो आप रोज़ सफाई करते हो तो अपने घर की तो सफाई करते हो, जैसे प्रेजेंट पे तो हम अपना मेडिटेशन करते हैं, अच्छे काम करते हैं, पर स्टोर रूम में झांक के कभी नहीं देखते 10 या 20 साल से, और वहाँ पे कचरा कई कई जनरेशंस का हो जाता है। तो अपना पास्ट लाइफ का भी कचरा जो है वो वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो अब जो आपका ये जो जगह है
इसको क्लीन करने में टाइम तो लगेगा ना। शुरुआत आप करोगे, एक दिन में तो सारा स्टोर रूम साफ नहीं हो जाता। आप धीरे धीरे एक एक सामान बाहर निकालते हो। तो इसी तरह से पहले आप जो है पिछले 10 साल बैकवर्ड जाते हो हिप्नोसिस के थ्रू, फिर 20 साल पहले जाते हो अगर आपकी 40 साल की उम्र है, फिर आप एट द टाइम ऑफ बर्थ जाते हो, फिर आप पास्ट लाइफ में जाते हो। कुछ लोग लकी लोग हैं जो एक ही बार में चले जाते हैं। तो एक एक्सपीरियंस और मैं शेयर करना चाहूँगी कि एक मेरे क्लाइंट थे एंड ही वॉज ए वेरी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक मैन। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि उन्हें एक किसी मैरिड थे, उनको आकर्षण हो गया किसी लड़की से जो अनमैरिड थी। अब वो लड़की उसको उनको वो नहीं करती थी, और वो यहाँ इतने परेशान थे कि अपनी वाइफ के साथ नहीं हो पा रहे थे, और वो लड़की की मेमोरीज उन्हें बहुत तंग करती थी। हालांकि उन्होंने उसको प्रपोज़ नहीं करा क्योंकि उसने मना कर दिया था। तो उनके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि वो जाने की पास्ट लाइफ में वो क्या थे। वो रोहतक के रहने वाले थे और वो वहाँ से आते थे मॉर्निंग में अर्ली 4 बजे चल के यहाँ पे 8 बजे के करीब आते थे। आज से 20-25 साल पुरानी बात है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में उन्होंने देखा कि वो जो लड़की है वो प्यार तो करती थी, बट वो पिछली लाइफ में चेंज हो गया था उसका माइंड, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं चाहते थे कि वो इस पुरुष के साथ शादी करे। उनका आपस में कोई थोड़ा सा अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो उसने उनको छोड़ दिया था। बट इस व्यक्ति को मोहब्बत रही और वो जो है वो इसके लिए तड़प तड़प के मर गया इसकी याद में। शायद उसने सुसाइड कर लिया था। तो वो इसको पाने की इच्छा से उसका पुनर्जन्म हुआ, पर क्योंकि उस लड़की ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था तो वो दोनों का पुनर्मिलन इस जन्म में भी नहीं हुआ। बट वो इच्छा तो उनके अंदर जागी रहती थी। तो पास्ट लाइफ में जाके देखा तो उनकी वही वो अभिलाषा जो थी अपूर्ण थी। तो इस जन्म में भी उस डीप डिज़ायर को लेके पैदा हुए कि इस बंदी को मैं प्राप्त कर लूँ। तो हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब जाके देखा तो वो गाँव उनको दिखा और उन्होंने उस इमोशन को लेट गो करा, उसको फॉरगिव करा कि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया था बाद में, उसको फॉरगिव करा। और इसके बाद वो इस पेन से बाहर आ गए कि वो इस जन्म में मुझे नहीं मिली। उनके मन में था कि मेरे को इसको R&D करनी है। तो उनको गांव का नाम और बहुत सारे क्लूज मिल गए थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। तो हम इसको कई बार वो भी कर सकते हैं कि हमें उसका वो मिल जाए, रियलिटी चेक करना है। तो अगर आपको पास्ट लाइफ में कौन सा वो गांव था, कौन सा वो समय था, क्या नाम था, तो उन्होंने डिग करा वहाँ जाके। एक्सपायर का काम करते हुए वो वहाँ पे गए और उन्होंने डिग करा, उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, वो कौन सा गांव था, और उन्हें वो मिले कुछ कुछ अवशेष मिले, कुछ कुछ पुरानी बातें बहुत थी, 1930s की बात थी, बट उन्हें वो गाँव वगैरह मिल गया जो अभी भी एग्जिस्ट करता था, विच प्रूव्ड कि ये सच है। और जबकि उस गांव का नाम उन्होंने इस जन्म में कभी भी नहीं सुन रखा था। तो एविडेंस मिल गया और कुछ कुछ उनको एविडेंस उस व्यक्ति के नाम का भी मिल गया। कुछ चीज़ें मिल गई जो मुझे अभी याद नहीं क्योंकि 20 साल पुरानी बात याद है। तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड टू शेयर विद मी कि मैंने देखो, वो एक बहुत बड़े खोजी टाइप के थे वो व्यक्ति। तो उनको वो एविडेंसेस उन्होंने ला के रखे कि हाँ, ये दोनों का कनेक्शन है मेरी आज के जीवन का और पास्ट लाइफ का। तो आप उस पर R&D करते हैं तो आपको पता चल जाता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक पाथवे है आपकी प्रेजेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करने का, उनको देखने का, उनको जानने का और अपनी लाइफ इस जन्म को बेटर करने का। तो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का फ़ायदा है। इसमें कुछ सेशन में, फर्स्ट सेशन में जो होता है उसमें हम जानते हैं कॉन्शियस टॉकिंग होती है और हम जानने की कोशिश करते हैं कि आप लाइफ में क्या डील कर रहे हैं, इस समय क्या प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है, और बिट बाय बिट उसे हम पीछे की तरफ लेके जाते हैं। कई लोग जैसे मैंने बताया कि पहले सेशन में चले जाते हैं और लगभग 1 घंटे का समय लग सकता है, 1/2 घंटे से 1 घंटे का समय लगता है। एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूँगी, उसके बाद हम सेशन को ख़त्म करेंगे। तो एक लेडी थी जो मैरिड थी, उसका हमने एक हम ग्रुप पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे, उसमें उसको पिक करा एज ए सब्जेक्ट और उसके ऊपर हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा क्योंकि उसकी लाइफ में एक और व्यक्ति आ गया था और वो उसके प्रति जो थी उस आकर्षित हो रही थी। और हस्बैंड परेशान था कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि हस्बैंड को उसने बता दिया था सब कुछ, वो अपना आकर्षण रोक ही नहीं पा रही थी।
तो उसने देखा पिछले जन्म में जो उसका इस जन्म का सो कॉल्ड प्रेमी है वो पिछले जन्म का पति था, और वो उसे बहुत सपोर्ट करता था, और इस जन्म का पति उसका प्रेमी था। तो प्रेमी पति था, पति प्रेमी था, और कुछ चीज़ें उसकी जो थी वो बहुत रिलेशनशिप में इश्यूज थी पति के साथ, तो पर दोनों में प्यार भी था, तो इट वाज लाइक लव ट्रायंगल गेम। तो इस जन्म में भी वो रिक्रिएशन करी थी, क्योंकि पिछले जन्म में ना वो पति को छोड़ पाई ना वो प्रेमी को छोड़ पाई, और असमंजस में रही। और इस जन्म में भी उसके मन में ये असमंजस चल रहा था। तो जब हीलिंग करी तो वो कुछ इश्यूज थी जो पति से रिजॉल्व हुए, कुछ इश्यूज थी जो प्रेमी के साथ रिजॉल्व हुए, और फिर इस जन्म में वो रिजॉल्व कर पाई अपनी इश्यूज को। उसको क्लैरिटी आई कि हु इज़ द पर्सन हुम शी रियली लव्स, तो शी वॉज एबल टू लेट गो ऑफ हर हस्बैंड, क्योंकि वो हस्बैंड उसका कुछ पेन छुपा हुआ था पिछले जन्म का। तो उसने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया इस जन्म में और अपने लवर के साथ शादी कर ली, क्योंकि उसको वो राइट पाथ क्लियर हो गया। मतलब इसका मतलब ये नहीं हर किसी के साथ ये होगा, हर व्यक्ति की कहानी अलग है, हर व्यक्ति की कार्मिक चीज़ें अलग हैं, हर व्यक्ति का इमोशंस अलग हैं, तो हर व्यक्ति के साथ अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग इश्यूज आएंगी। रिलेशनशिप्स में अक्सर बहुत ज़्यादा आती हैं बीमारियों में, ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का बहुत काम करता है, जो बीमारियां ठीक ही नहीं हो रही। तो और कई बार पास्ट लाइफ करते करते कई बार चाइल्डहुड रिग्रेशन भी हो जाता है कि बचपन में हमने क्रिएट कर लिया। एक मैं अमेरिकन क्लाइंट के साथ काम कर रही थी, तो उसको कुछ बैक की प्रॉब्लम हो गई थी, तो उस जब रिग्रेस किया तो पता चला कि 13 12 13 साल की उम्र में उसकी मौसी ने बोला कि ये हमारे फैमिली में बैक इश्यूज होती हैं, यू मस्ट बी केयरफुल, क्योंकि 30s में आते आते हमारी फैमिली में सबको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके सबकॉन्शियस माइंड ने, 13 साल के बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने ये बात पकड़ ली कि मैं 33 साल की उम्र में ये बीमारी मुझे आने ही वाली है। तो रिग्रेशन किया तो ये उसने बोला, तो हम जो सोचते हैं वो बोलते हैं, जैसे कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में समझाते हैं, हम उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो उसने जो है, हमने उसको वापस लेके गए और वहाँ पे उसका वो रिग्रेस करके उसने उसको क्लियर करा, रिग्रेस करके उसने वहाँ से मुक्ति पाई। तो ये उसने किया और इससे वो बाहर आ गई अपनी प्रॉब्लम से। तो आप लोग कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में, कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको ले लेते हैं अगले कुछ मिनटों में, और फिर हम इसको ख़त्म करेंगे इस सेशन को। और बिफोर यू आस्क एनी क्वेश्चंस, तो अगले वीक 11 बजे हम फ्री टैरो रीडिंग सेशन रखेंगे, तो आप अपने दोस्तों को, फैमिली मेम्बर्स को, सबको बता सकते हैं कि फ्री टैरो रीडिंग सेशन होगा अगले अगले वीक 11 बजे। तो आप लोग आएंगे टैरो रीडिंग के सेशन में, और आप लोग का स्वागत है। अपने दोस्तों को भी लेके आइएगा, अपनी लाइफ में फ्यूचर का ग्लिम्स आप ले सकते हैं कि हमारा फ्यूचर आने वाला कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कैसा ये सेशन लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप किस तरह के सेशंस चाहेंगे लाइव वो भी आप बताएं। अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेशन मेरे साथ पर्सनली करना है तो आप जो हो मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9811142249। तो ये वीके जी पूछ रही हैं या पूछ रहे हैं कि क्लियर वॉइंस टेक्निक्स क्या होती हैं। क्लियर वॉइंस होती है कि क्लियर वॉइंस वॉइंस विजुअल देखना, तो वो चीज़ें देखना जो आम आंखों से आप नहीं देख सकते, जिसे हम कह सकते हैं थर्ड आई एक्टिवेशन। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो चीज़ें फिजिकल फॉर्म में नहीं है, नॉन फिजिकल चीज़ों को या सूक्ष्म रूप से देखना। तो क्लियर वॉइंस के ऊपर मैं किसी दिन और सेशन लूंगी, बट हिप्नोथेरेपी के थ्रू भी आप, जब आपका मन शांत होता है और विचारहीन होता है, तो क्लियर वॉइंस जो है उस समय आपके अंदर आ जाती है, और हिप्नोसिस के थ्रू भी आप क्लियर वॉइंस में जा सकते हैं। रेकी के थ्रू भी क्लियर वॉइंस आपकी एक्टिवेट होती है। मन शांत रहेगा तो हम बहुत कुछ देख सकते हैं। इंसान के पास वो ताकत है, इंसान के पास वो एनर्जी है। तो आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो गए हैं, आप लोग पेशेंटली इस चीज़ को सुन रहे हैं। थैंक यू विके जी, थैंक यू हिमांशी, थैंक यू तनु, थैंक
थैंक यू पूनम जी, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड डू ज्वाइन मी अगेन नेक्स्ट वीक विद योर क्वेश्चंस. अपनी फैमिली मेंबर्स को भी आप इनवाइट कर सकते हैं. टैरो रीडिंग का सेशन रहेगा 11 बजे संडे को. एवरी वीक आई बी कमिंग विद दीज सेशंस. थैंक यू वेरी मच. टाटा, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा.